नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है स्वच्छ भारत अभियान में। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा चलाए गए इस कार्यक्रम को हमने सफल बनाने के लिए हमारे जैसे बहुत से भाइयों ने इसमें सहयोग करा और इस देश को, इस शहर को और इस आसपास के वातावरण को साफ और स्वच्छ बनाने में हमारी मदद करी है। हम एक आपके सामने एक छोटा सा एक नाट्य रूपांतर के रूप में एक कार्यक्रम लेके आ रहे हैं जिसमें हमारे कुछ वेलविशर्स, कुछ सलाहकार और कुछ हमारे साथियों ने इसमें सहयोग करा और उसके माध्यम से हम आपको एक छोटी सी बच्चों द्वारा बनाए गए एक छोटा सा ड्रामा जो कि उन्होंने हमें यह सीख देते हुए बताया कि हमें साफ सफाई किस तरह से रखना चाहिए और हमारे आसपास के वातावरण को साफ और स्वच्छ किस प्रकार से करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। स्वच्छ भारत अभियान हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा चला गया स्वच्छ कार्यक्रम का एक हिस्सा है जो हमें देश में साफ सफाई स्वच्छता की ओर संकेत करता है। इस तरह हम अपने देश को कैसे साफ स्वच्छ और अच्छा रख सकते हैं, ये एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसको हमें आगे बढ़ाना है और देश को स्वच्छता के मार्ग पर ले जाना है। पापा, हम साफ सफाई कैसे रख सकते हैं? बहुत बढ़िया सवाल है। हम साफ सफाई अपने घर के आसपास जितना भी कूड़ा है, कचरा है, वो सब एक डस्टबिन और या कूड़े पात्र में डालकर उसमें साफ सफाई रख सकते हैं। हमारे आसपास जो भी गंदगी है उससे स्वच्छ रहेगा। पापा, लोग कचरा कूड़ेदान में क्यों नहीं फेंकते? लोग कूड़ेदान में कचरा क्यों नहीं फेंकते? सवाल बहुत बढ़िया है तुम्हारा, लेकिन लोग क्या है कि इतना समझाने के बाद भी कुछ लोगों को समझ में आ रही है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रही है। और जो समझ रहे हैं वो अपने घर के अंदर दो कूड़ेदान रखते हैं, एक गीले कचरे का, एक सूखे कचरे का। गीला कचरा गीले पात्र में और सूखा कचरा सूखे पात्र में डालते हैं। सब मिलकर के हमारे मंदसौर को स्वच्छ बनाएं और भारत के इस अभियान को सफल बनाएं। स्वच्छ भारत, स्वच्छ अभियान।